वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको एक अजीबोगरीब ऐप के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। ये कोई भी मोबाइल का सेटिंग या कोई भी ऐप्स के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको आज ऐसी ऐप्स बताऊंगा जिससे आप इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हारमोनियम और मैं इसे बजा के दिखाता हूँ और फिर मैं इस ऐप के बारे में बताऊँगा इस ऐप का क्या नाम है और इस ऐप को कैसे बजाना है, इसमें क्या क्या सेटिंग है, सारे डिटेल्स में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए मैं पहले इसे आपको बजा के दिखा देता हूँ ये कैसा आवाज़ निकलता है। और ये मोबाइल है, ये कोई हारमोनियम नहीं है। तो देखिए आप रियली से, और मैं कोई भी म्यूजिक इसमें नहीं ऐड कर रहा हूँ साइड से, तो ये बिल्कुल मोबाइल है। तो मैं मोबाइल में ही आपको बजा के दिखाऊँगा। और हाँ, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बजा के दिखाता हूँ आपको और फिर मैं इसकी सेटिंग के बारे में बताऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो देख लिया फ्रेंड्स आपने, मैंने बजा के आपको दिखा दिया और भी एक दो गाना बजा के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो थोड़ी सी मैं इसको आवाज़ तो चेंज कर देता हूँ। देखिए तो फ्रेंड्स, आपको बताना है ये कौन सा धुन है और मैंने कौन सा गाना बजाया है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको। तो चलिए मैं फिर से आपको बजा के दिखाता हूँ और आपको इस गाने को कमेंट सेक्शन में बताना है ये कौन सा गाना बज रहा है। देख लिया फ्रेंड्स, मैंने आपको बजा के दिखा दिया और आपको धुन अच्छा भी लगा होगा और ये कौन सा धुन मैंने बजाया ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सा ऐप है और आपको इसे डाउनलोड करना और इसकी सेटिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो इससे पहले मैं आपको यहाँ से होम स्क्रीन पर आ जाता हूँ। तो देखिए ये मोबाइल है और मैंने कोई हारमोनियम का इस्तेमाल नहीं किया हूँ। तो अब मैं इसे यहाँ से होम स्क्रीन पर आ जाता हूँ फ्रेंड्स, और आपको जो है अपने प्ले स्टोर में चलना है। तो देखिए मैं मोबाइल को वैसे कर लेता हूँ और आपको यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी हारमोनियम ऐप पे बजाया, इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इससे पहले मैं फ्रेंड्स इसे बिल्कुल नया की तरह कर देता हूँ जैसे इसे डाउनलोड करते हैं ताकि आपको सेटिंग समझ में आएगा। तो देखिए जो हारमोनियम ऐप है, मैं इसे यहाँ से पहले इसका जो स्टोरेज है इसको मैंने क्लियर कर देता हूँ, सारा परमिशन को मैंने रिमूव कर दिया। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये हारमोनियम ऐप है और इसको मैंने यहाँ से क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे स्टार्ट वाला ऑप्शन है, तो आपको इस स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और ये देखिए ये जो है अभी की क्यूआर जो है ये बहुत छोटा छोटा है और इसमें जो है अलग अलग इसमें रेंज है फ्रेंड्स, आप इसमें मध्यम में और हाई, मतलब अलग अलग इसमें टोन दिया हुआ है, आप जिधर भी टोन चाहे तो उधर बजा सकते हैं। तो ये आप इधर से आराम से घुमा सकते हैं और इसको फ्रेंड्स जब आप बजाने के लिए जो भी कीवर्ड को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक लॉक का ऑप्शन दिख रहा है, जब आप इसे लॉक कर देंगे तो फिर ये लॉक हो जाएगा। यहाँ से जैसे आप करेंगे ये लॉक हो जाएगा तो फिर ये इधर उधर नहीं होगा। और फिर जब आप इसे अनलॉक कर देंगे फिर आप इसे
इधर उधर कर सकते हैं। तो देख लिया फ्रेंड्स, जैसे ये कीपैड जो है अभी छोटा छोटा है, तो अगर आप इसे फिर जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस का आइकॉन दिया हुआ है, इस प्लस के आइकॉन पे प्रेस करके आप इसे जितना चाहे इस बटन को आप बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कितना बड़ा कर दिया। तो इस तरह से अगर बड़ा बटन रहेगा तो आपको बजाने में सही रहेगा। तो पहले मैं इसका वॉल्यूम कम कर देता हूँ ताकि मेरा आवाज़ आपको क्लियरली से सुनाई दे। तो फ्रेंड्स देख लें, तो ये बड़ा बटन हो गया। और इस तरह से फ्रेंड्स इसमें और भी सेटिंग है, जैसे कि आपको अलग अलग मूड में जाना है तो यहाँ पे मूड का ऑप्शन है, आप इस पे मूड पे क्लिक करके यहाँ पे देखें कपल होल्ड, अलग अलग स्केल में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी स्केल आपको चाहिए वो ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको, आप मेल हैं तो आप यहाँ से मेल वाले में जा सकते हैं, और अगर फीमेल हैं तो आप फीमेल वाले में जा सकते हैं, ये फीमेल लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप बीच में रहना चाहते हैं तो आप बीच में रह सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स इसके बाद आपको यहाँ पे सारे गामा अगर लिखा हुआ चाहते हैं तो आप ये भी यहाँ पे क्लिक करके रहने दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिलता है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, देखिए तो आप जो भी म्यूजिक बजाते हैं आप यहाँ पे लाल वाले बटन पर क्लिक करके रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने म्यूजिक को। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आता है सेटिंग का ऑप्शन, तो इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर अलग अलग सेटिंग है, पर फिलहाल इस सेटिंग को आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं इसे यहाँ से बैक कर देता हूँ और यहाँ पे ऐसे ही रहने देना। और आपको फ्रेंड्स इसे, चलिए मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ज़्यादा ये जूम आउट कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से बजा सकते हैं, जो भी आपको जिस टाइप का म्यूजिक आप सुनना पसंद करते हैं तो उस टाइप का म्यूजिक को आप बजा सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ से फिर आप लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद फ्रेंड्स, लॉक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लॉक कर दिए। लॉक करने के बाद आप फिर पहले जैसा बजा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने एक बार सा रे ग म प ध नी सा नी द प म ग रे सा, तो देख लिया फ्रेंड्स आपने, मैंने आपको बजा के दिखा दिया। तो वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।